हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए स्केच बुक से फेस को जो है हम लोग स्मूथ करेंगे एंड हेयर को जो है दोस्तों ग्रो करेंगे एंड थोड़ा बहुत लाइट रूम से हम लोग रिटचिंग करेंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन घंटी को दबा देना ताकि आने वाले हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये जो ऑटोडेस्क स्केच बुक है इसको ओपन करना है एंड आई एक्सेप्ट पर क्लिक करना है दोस्तों, अलाउ पर क्लिक करना है। दोस्तों ये जो कोर्स वाला आइकन है इस पर क्लिक कर देना होगा एंड इस वाला आइकन है ऐसे क्लिक कर देना एंड ग्लैरी पर क्लिक कर देना है। तो ये जो कोर्स वाला आइकन है इस पर क्लिक कर देना है एंड न्यू फ्रॉम इमेज पर क्लिक कर देना है एंड दोस्तों अभी हम लोग को पिक को जो है सिलेक्ट कर देना है। दोस्तों ऐसे पिक को ओपन करने के बाद अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये जो टूल है इस पर क्लिक कर देना है इस टूल पर एंड इधर से जो दोस्तों हम लोग को जो है ये वाले ऑप्शन ढूंढ लेना है ये वाले एंड सेटिंग पर क्लिक कर देना है दोस्तों एंड हम लोग को साइज को दोस्तों मैं जो जितना रख रहा हूँ साइज को उतना ही रख देना। तो ऐसे रख देने के बाद दोस्तों अभी हम लोग को जो है स्क्रीन पर ऐसे इस तरीके से कर लेना होगा। दोस्तों आप लोग जो है थोड़ा सा टाइम देके इसको अच्छे से स्मूथ करना है। दोस्तों अभी क्या करना पड़ेगा, इस टूल पर आकर हम लोग को जो है साइज को बढ़ा देना है एंड फ्लो को बढ़ा देना है दोस्तों स्ट्रेट को भी ऐसे थोड़ा सा बढ़ा देना है एंड दोस्तों अभी हम लोग को जो है हेयर पर ऐसे ड्रॉ कर देना होगा। दोस्तों अभी देख ही सकते हो कितना अच्छा हेयर निकल के आ रहा है। दोस्तों अभी देख ही सकते हो हेयर जो है बहुत ही अच्छे से निकल कर आया है। दोस्तों अभी क्या करना पड़ेगा, ये जो ठीक है इसको हम लोग लाइट रूम पर थोड़ा ज़्यादा रिटचिंग कर लेंगे। तो दोस्तों इस टूल पर क्लिक कर देना है एंड शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड स्वाइप टू इमेज पर क्लिक कर देना है। तो मैं अदर पर क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों ऐसे लाइट रूम पर पिक को ओपन करने के बाद अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये जो मिक्स टूल पर ऐसे क्लिक कर देना है। दोस्तों अभी हम लोग को ह्यू को करवा देना है एंड सैचुरेशन को भी करवा देना है एंड लुमिनेंस को बढ़ा देना है। तो इस टूल पर आकर हम लोग को ह्यू लुमिनेंस को बढ़ा देना है एंड सैचुरेशन को करवा देना है एंड ह्यू को करवा देना है। तो इस टूल पर आकर हम लोग को जो है ह्यू को करवा देना है, सैचुरेशन को बढ़ा देना है एंड इस टूल पर आकर हम लोग को ह्यू को करवा देना है, सैचुरेशन को बढ़ा देना है। तो इधर से डन करना है दोस्तों। तो अभी हम लोग को जो प्रोफाइल वाले टूल है इस पर क्लिक करना है एंड दोस्तों इधर से हम लोग को आर्टिस्ट 3 पर क्लिक करना है। दोस्तों इसको जो है हम लोग इसको साइज को जो है कमा देना है एंड डन कर देना है दोस्तों। तो इतना हो जाने के बाद अभी हम लोग को इस टूल पर आकर टेम्परेचर को दोस्तों इसको हम लोग बढ़ा देना है एंड 3 को दोस्तों इसको भी ऐसे थोड़ा सा बढ़ा देंगे। दोस्तों हम लोग को वाइब्रेंस को इसको कमा देना है, सैचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ा देना है। तो इस टूल पर आकर हम लोग को क्लैरिटी को बढ़ा देना है एंड विग्नेट को थोड़ा सा दे देना है दोस्तों। दोस्तों इतना हो जाने के बाद अभी देख ही सकते हो पीक में अंतर बिफोर एंड आफ्टर। दोस्तों बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। दोस्तों अगर पीक को अच्छी लगी तो लाइक कॉमेंट शेयर कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहो, सलामत रहो।